तो टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D के अंदर एनर्जी लॉस होगा, पॉइंट नंबर वन। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो लेट अस सपोज एक बॉल आ रही है m मास की विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, एक दीवार को टक्कर मारती है और टक्कर मार के और थीटा वन एंगल पर मारती है विद वर्टिकल, कोलिजन करके ये mv2 मोमेंटम से चली जाती है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा टू, गिवन है। तो आपको इसमें क्या इक्वेशंस बनानी है, और रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन में गिवन है ई, तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या इक्वेशंस बनेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला पॉइंट ये कि जब ये मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, mv1, mv1 इनिशियल मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, ये आप इसको ये मत सोचें कि डायरेक्शन खत्म हो गई, दीवार खत्म हो गई, नहीं, डायरेक्शन को आगे कंटिन्यू करें। ऐसा क्वेश्चन में फोर्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट किया था, ऐसा कई बार किया कि मोमेंटम को यहाँ रोके ना, मोमेंटम की डायरेक्शन ये रही, mv1 इनिशियल मोमेंटम है, और अगर ये θ1 तो ये भी θ1 है, और फाइनल मोमेंटम कितना है, mv2, तो मेकिंग एन एंगल ऑफ θ2। तो इनिशियल मोमेंटम mv1 के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक θ1 के साथ कितना, mv1 cos θ1 और एक mv1 sin θ1। ऐसी फाइनल मोमेंटम mv2 के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, mv2 cos θ2 और mv2 sin θ2। क्लियर है यहां तक? तो ये चार कॉम्पोनेंट्स हो गए मोमेंटम के, एक इनिशियल के दो कॉम्पोनेंट्स और फाइनल के भी दो कॉम्पोनेंट्स। अगर ये इलास्टिक कोलिजन होती 2D में, तो मैंने आपको सिखाया था x का मोमेंटम अलग कंजर्व कर दो, y का मोमेंटम अलग कंजर्व कर दो। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन है, इसके अंदर आपने ध्यान से करना है कि जो तो दीवार है, वॉल है, उसके अलोंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, लेकिन जो मोमेंटम या वेलोसिटीज दीवार के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इनमें मोमेंटम कंजर्व नहीं करना होता इन इलास्टिक में, सिर्फ इन इलास्टिक में, इलास्टिक में सब में करना होता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में दीवार के साथ जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv1 cos θ1 और फाइनल मोमेंटम कितना है, mv2 cos θ2, ये दोनों बराबर होंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मास से मास कैंसिल, इक्वेशन नंबर वन। तो मोमेंटम कंजर्व कर दिया, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, यहां तक क्लियर है? लेकिन जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं, इनमें नहीं मोमेंटम कंजर्व करना। रीजन रीजन ये क्योंकि एनर्जी का लॉस है, वेलोसिटी का लॉस है। तो हमने ये क्लास में किया था कि अगर ये वॉल है और अगर कोई बॉल v वेलोसिटी से आती है और रेस्टिट्यूशन e है, तो कितनी वेलोसिटी से वापस जाएगी, e टाइम्स v, ये हमने किया था। तो अगर वेलोसिटी का लॉस है तो मोमेंटम कांस्टेंट कैसे हो सकता है? मैं ये तो कह नहीं सकता m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्योंकि वेलोसिटी तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जो कंपोनेंट्स इसके परपेंडिकुलर हैं, उनमें एनर्जी का लॉस देखा जाता है, तो उनमें मोमेंटम कांस्टेंट नहीं करना आपने। तो फिर क्या करना है? यही करना है जो आपने किया, क्या कि अगर कोई इनिशियली इसको हिट करता है बॉल विद अ मोमेंटम ऑफ mv, तो फाइनल मोमेंटम कितना कितना हो जाएगा, e टाइम्स mv। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है? यही लगाएंगे इसमें, कैसे, बॉल ने इनिशियल मोमेंटम कितने मोमेंटम से हिट किया था, mv1 sin θ1। तो बॉल ने कितने मोमेंटम से हिट किया था, mv1 sin θ1, तो वापसी जाने का मोमेंटम क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e से। तो इनिशियल मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, e से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो अगर ये बॉल हिट कर रही है इससे दीवार को विद अ मोमेंटम ऑफ mv1 sin θ1, तो वापस जाने का मोमेंटम क्या हो जाएगा, e टाइम्स हो जाएगा। तो वापस जाने का मोमेंटम क्या होगा, e इंटू m इंटू v1 इंटू sin ऑफ θ1। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, लेकिन हमें पता है जाने का मोमेंटम तो ये है, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। सही है यहां तक? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी या मोमेंटम इसके परपेंडिकुलर है, तो इतने मोमेंटम से ये हिट कर रही है बॉल, तो वापस कितने मोमेंटम से जाएगी, ई इंटू एम इंटू वी वन इंटू साइन ऑफ θ1 से वापस जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइनल मोमेंटम इसके इक्वल है, तो यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, राइट? तो ये मैंने सेकेंड इक्वेशन बना दी कि फाइनल मोमेंटम जाने का मोमेंटम mv2 sin θ2 इज e टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। तो सेकेंड इक्वेशन, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में मास से मास कैंसिल, मास से मास कैंसिल, तो इक्वेशन नंबर वन को मास कैंसिल करके ये लिख लिया,
इक्वेशन नंबर टू में मास कैंसिल करके ये लिख लिया, तो इक्वेशन नंबर वन एंड टू को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो इसका और इसका स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, वी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। और सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन में वी टू पूछा जाता है, वी टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो रूल एक ही है इस कोलिजन को सॉल्व करने का, वो क्या कि जो तो दीवार या ग्राउंड के साथ मोमेंटम्स हैं वो तो इक्वल हैं, और जो दीवार या वॉल के साथ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगता है। बस ये आपने याद रखना है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आपको ये याद हो, हमने मिलता जुलता क्वेश्चन फोर्स में भी किया था, ये सेम मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, हमने ये क्वेश्चन फोर्स में किया था। फोर्स के अंदर ये क्वेश्चन किया था कि अगर एक बॉल आ रही है एम वी मोमेंटम के साथ, थीटा एंगल के साथ, और हिट करके एम वी के साथ वापस जा रही है, और दीवार के साथ ये कितने कॉन्टैक्ट डेल्टा टी टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रहती है, तो आपको एवरेज फोर्स बतानी है इसमें क्या होगी। अगर आपको याद हो फोर्स की बुकलेट ओपन कर सकते हो, सेम डायग्राम आपको एवरेज फोर्स का मिलेगा। तो मैंने इसको ऐसे सिखाया था कि इनिशियल मोमेंटम एम वी, ये थीटा, तो ये थीटा एम वी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम वी कॉस एम वी साइन, और फाइनल मोमेंटम एम वी के भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम वी कॉस एम वी साइन, सेम चीज़ है। तो जब ये कोलिजन की प्रॉब्लम नहीं है कि हमें मोमेंटम कंजर्व करना है, ये फोर्स की प्रॉब्लम है, तो इसमें वाई एक्सिस की फोर्स अलग निकलेगी, एक्स की फोर्स अलग निकलेगी। तो एक्स की फोर्स कैसे निकलेगी, एवरेज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एक्स में, वाई की फोर्स कैसे निकलेगी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वाई में। तो वाई एक्सिस में मोमेंटम इनिशियल कितना है, एम वी कॉस थीटा, फाइनल कितना है, एम वी कॉस थीटा, दोनों को माइनस करके वाई के अंदर फोर्स क्या आ गई, जीरो। एक्स के अंदर फोर्स क्या आएगी, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, एंड बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या सिखाया था लास्ट टाइम, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, ये मैं नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन उल्टी है। तो आंसर क्या आएगा, टू एम वी साइन थीटा अपॉन टाइम आंसर। तो मैं ये क्वेश्चन साथ में पैरेलल इसलिए लिख के लाया हूं, कहीं आप इसमें मोमेंटम कंजर्व करने बैठ जाओ फोर्स के अंदर, नहीं, जब प्रॉब्लम फोर्स की आएगी तो ऐसे करना है, चेंज इन मोमेंटम से करना है। लेकिन जब प्रॉब्लम किसकी आएगी, कोलिजन की आएगी, तो फिर इस एक्सिस में मोमेंटम कांस्टेंट करना है और इस एक्सिस में रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। देखने में क्वेश्चन दोनों सेम लगते हैं, बट एक में फोर्स पूछी जा रही है और एक में वी टू पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है यहाँ तक। पर क्योंकि ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो कोलिजन के अंदर तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी जो कोलिजन है, ये है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D।